ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो। प्रश्न, बाबा हर बच्चे के जन्म पत्री जानते हुए भी सुनाते नहीं, क्यों? उत्तर, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं हूँ शिक्षक, मेरा काम है तुम बच्चों को शिक्षा देकर सुधारना, बाकी तुम्हारी अंदर क्या है ये मैं सुनाऊंगा नहीं। मैं आया हूँ आत्मा को इंजेक्शन लगाने, न कि शरीर की बीमारी ठीक करने। अच्छा प्रश्न, तुम बच्चे अभी किस बात से डरते नहीं हो, क्यों? उत्तर, तुम अभी इस पुराने शरीर को छोड़ने से डरते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा अविनाशी है, बाकी यह पुराना शरीर अगर चला गया हमें तो वापस घर जाना ही है, हम अशरीरी आत्मा है, बाकी इस शरीर में रहते बाप से ज्ञान अमृत पी रहे हैं, इसलिए बाबा कहते बच्चे सदा जीते रहो, सर्विसेबल बनो तो आयु बढ़ती जाएंगी। गीता, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जिसको अब मम्मा बाबा कहते हैं उनको बुलाना नहीं चाहिए। गीत जिन्होंने बनाया है वह तो अर्थ को समझती नहीं है, यह निश्चय ही नहीं है कि हम उस परमात्मा पिता के संतान हैं, उस परम पिता परमात्मा को पतितों को पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। कितनी ऊंची सर्विस पर आते हैं उनको कोई अभिमान नहीं है, उसको कहा जाता है निरहंकारी, उनको निश्चय बुद्धिवादी ही अभिमानी होने की बात नहीं, वह कब संशय में आते नहीं, दे अभिमानी बनते ही जाती है। मनुष्य देह अभिमानी बनते हैं तो फिर देही अभिमानी बनने में कितनी मेहनत लगती है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मनुष्य तो कह देते हैं अपने को परमात्मा समझो, कितना फर्क है। एक तरफ याद करते हैं पतित पावन को, फिर कहते हैं सब में परमात्मा है, उनको जाकर सुधारना है। बाबा कहते देखो कहाँ से आया है तुम बच्चों को सुधारने के लिए, जिनको पक्का निश्चय है वह तो कहते हैं बरोबर आप हमारे माता पिता हो, हम आपके श्रीमत पर चल श्रेष्ठ देवता बनने के लिए आए हैं। परमात्मा तो सदैव पावन ही पावन है, उनको बुलाते हैं पतित दुनिया में आओ, तो जरूर पतित शरीर में ही उसको आना होगा। पतित दुनिया में तो पावन शरीर होता ही नहीं, तो बाप देखो कितना निरंकारी है, पतित शरीर में आना पड़ता, हम अपने को संपूर्ण नहीं कहेंगे, अब बन रहे हैं। अब बेहद का बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलो, बाप श्रीमत देते हैं सवेरे उठकर याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे।
बंदर के बंदर ही रह जाएंगे और फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। जानवर आज तो सजा नहीं खाते हैं, सजा मनुष्य के लिए है। अगर बैल किसको मारता है तो वह मर भी जाए तो क्या उनको जेल में डालेंगे? मनुष्य को तो फौरन जेल में डाल देंगे। बाप समझाते हैं इस समय मनुष्य तो उनसे भी बदतर है, उनको फिर मनुष्य से देवता बनना है। बाबा समझाते हैं ये लक्ष्मी नारायण भी गीता का ज्ञान नहीं जानते हैं, वहाँ दरकार ही नहीं, क्योंकि बाप है रचयिता, वहाँ कोई त्रिकालदर्शी होते ही नहीं। अभी यह लोग त्रिकालदर्शी न होने के कारण भी कह देते हैं हम भगवान हैं, तो बड़े अक्षरों में लिख दो कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है, न कि श्री कृष्ण। मूल ये एकज भूल ही किसकी बुद्धि में नहीं बैठती है, न बच्चे किसके बुद्धि में बिठाते हैं। भारत ही स्वर्ग था यह भूल गए हैं, कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है, इसलिए कोई पुरानी चीज मिलती है तो कहते हैं यह लाखों वर्ष की है, कभी कोई कोई कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम जानते हो हम भी देवता थे, माया ने बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बना दिया है, कोई भी मूल्य नहीं है। तो अब तुम बच्चों को भी घोर अंधेरे से निकालना चाहिए, कभी कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करना चाहिए जो तुमको कहना पड़े तुम तो कोई बंदर हो। मैं कितना दूर देश से आता हूँ तुम्हारी मैले कपड़े धोने के लिए, तुम्हारी आत्मा बिल्कुल मैली हो गई है, अब मुझे याद करो तो तुम्हारी ज्योति जग जाती। ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ तो वहाँ भी कुछ पद पाओ, वहाँ जाकर दास दासी बनो, यह तो अच्छा नहीं है। यह है राजयोगी तो पद पाना चाहिए ऊंचा, दास दासी जाकर बने तो भगवान से क्या वर्षा पाया? कुछ भी नहीं। बाबा से कोई पूछे तो फट से बाबा बता सकते हैं, काम करना चाहिए इशारे से, बिगर कहे जो काम करे सो देवता, कहने से जो करे सो मनुष्य। तुमको अब श्रीमत मिलती है देवता बनने की, श्रेष्ठ बनाने वाला बाप कहते हैं कि प्रदर्शनी में बड़े बड़े अक्षरों में ऐसा बोर्ड लगा दो जो सबकी आंख खुल जाए, कृष्ण भगवान नहीं है, वह तो पुनर्जन्म में आते हैं, वह समझते हैं कृष्ण जन्म मरण में नहीं आते, वह तो हाजरा हजूर है। हनुमान का पुजारी कहेंगे हनुमान हाजरा हजूर है, यहाँ तो एक ही बाप से वर्षा लेना है। गीता का भगवान हीरे जैसा बनाते हैं, इनका नाम बदलने से भारत का यह हाल हुआ है। यह बात अर्जुन अभी इतनी जोर से समझाई नहीं गई है। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, वही पतित पावन है, वो लोग फिर गंगा को पतित पावनी कहते हैं। अब सागर से तो गंगा निकली है, तो क्यों नहीं सागर में जाकर स्नान करें? उनको समझाने के लिए बच्चों में परस्तानी
गुण चाहिए, सबको समझाना चाहिए, हम तो बाप की ही महिमा करते हैं। निराकार परमात्मा को तो सब मानते हैं, परंतु सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं, कहते भी हैं हे राम हे परमात्मा, माला समझते हैं ना, ऊपर में है फूल, उसका भी अर्थ नहीं समझते, फूल और मेरु युगल दाना है, माता पिता प्रवृत्ति मार्ग है ना, रचना रचेंगी तो जरूर माता पिता चाहिए, तो इन द्वारा बैठ बनाते हैं जो फिर माला सिमरी जाती है। परमात्मा का आत्मा का रूप क्या है वो भी नहीं जानते, तुमने नई बात सुनी है, परमात्मा एक छोटी बिंदी है, वंडर है ना, इतने छोटी बिंदी को कोई ज्ञान सागर मानेंगे, मनुष्य को मानते हैं, परंतु वह तो मनुष्यों को मनुष्य द्वारा ही ज्ञान मिलता है, जिससे दुर्गति ही हो गई है। यहाँ तो भगवान खुद आकर ज्ञान दे सदगति करते हैं, अर्थात राजाओं का राजा बनाते हैं। तुम वंडर खाते हो, आत्मा छोटी सी बिंदी है, अति सूक्ष्म है, तो बाप भी ऐसा ही होगा ना, और है कितनी बड़ी अथॉरिटी, कैसे पतित दुनिया और पतित शरीर में आकर पढ़ाते हैं, लोग क्या जाने इन बातों को, लोग तो उल्टी से लटके हुए हैं। अब बाप फरमान करते हैं जो मेरे मत पर चलेंगे वही स्वर्ग का मालिक बनेंगे, इसमें डरने की बात नहीं है, हम आत्मा शरीर ही है, अब वापस जाना है, मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ, बाकी यह पुराना शरीर बल चला जाए। बाबा ज्ञान अमृत पिलाते हैं, इसलिए बल जीते रहें, वह भी जो सर्विसेबल होंगे उनकी आयु बढ़ेगी। प्रदर्शनी में बहुत सर्विस होनी है, बहुत इम्प्रूवमेंट होंगी, कृष्ण की महिमा और परमात्मा की महिमा में बहुत फर्क है। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में पावन थे, अब पतित कैसे बने हो, जानना चाहिए ना। बाप आकर पत्थर बुद्धि को पारस बनाते हैं, ईश्वरी संतान को कभी ही किसको मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना चाहिए। बाप कहते हैं दुख देंगे तो महान दुखी होकर मरेंगे, सदा सबको सुख देना चाहिए, घर में मेहमानों की बहुत अच्छी सेवा की जाती है, यह पुराना शरीर है, भोगना भोग सब किताब चुकतू करना है, इसमें डरना नहीं है, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी, बहुत मीठा बनना है। बाबा कितना प्यार से समझाते हैं, कमाई में कभी उबासी व झुटका नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम सदा निरोगी बन जाएंगे, तुमको स्वर्ग में ले चलने आया हूँ, तो कोई भी कुकर्म मत करो, संकल्प तो बहुत आएंगे, फलानी चीज उठाकर खा ले, इनको बाकी पहन ले, अरे बाप तो बच्चों की जन्म पत्री जानते हैं, इसलिए मैनर्स अच्छे धारण करने हैं। बाप कहते हैं मैं सभी के जन्म पत्री जानता हूँ, परंतु एक एक को बैठ सुनाऊंगा क्या कि तुम्हारी अंदर क्या है, मेरा तो काम है शिक्षा देना, मैं तो टीचर हूँ, ऐसे नहीं, बाबा तो जानते हैं हमारी दवाई आप ही भेज देंगे, बाबा कहेंगे बीमारी है
तो डॉक्टर के पास जाओ। सबसे अच्छी दवाई है योग। बाकी मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ जो बेस्ट दवाई दूंगा। कभी दे भी देता हूँ, ड्रामा में कुछ नूंद हो तो। बाकी मैं तुम्हारी आत्मा को इंजेक्शन लगाने आया हूँ ड्रामा में, है तो कभी दवा भी देते हैं। बाकी ऐसे नहीं बाबा समर्थ है, हमारी बीमारी को क्यों नहीं छुड़ा सकते हैं। भगवान तो जो चाहे सो कर सकता है। नहीं बाप तो आए ही पतितों को पावन बनाने, समझा? अच्छा मीठे मीठे सुखीलदे बच्चों को मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, मनसा वाचा करना किसी को भी कभी दुख नहीं देना है। कर्म भोग से डरना नहीं है, खुशी खुशी से पुराना हिसाब किताब चुकतू करना है। दूसरा संकल्पों के वश हो, कोई भी कुकर्म नहीं करना है। अच्छे मैनर्स धारण करनी है। देवता बनने के लिए बार बार इशारे से समझ कर करनी है। कहलवाना नहीं वरदान। बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। वर्तमान समय आप बच्चे ऐसी श्रेष्ठ संपूर्ण अधिकारी बनते हो जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर आपका अधिकार है। परमात्म अधिकार बच्चे सर्व संबंधों का और सर्व संपत्ति का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इस समय ही बाप द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान मिलता है। आपके पास सर्व गुणों की, सर्वशक्तियों की और श्रेष्ठ ज्ञान की अविनाशी संपत्ति है। इसलिए आप जैसा संपत्तिवान और कोई नहीं। अब फिर लास्ट में स्लोगन है, सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमात्मा के बारे में अनेक मनुष्यों की मत का आखिरी फैसला। अभी तो यह सारी दुनिया जानती है परमात्मा एक है, उसको ही परमात्मा कोई शक्ति मानते हैं, कोई कुदरत कहते हैं, मतलब तो कोई न कोई रूप में जरूर मानते हैं। तो जिस वस्तु को मानते हैं अवश्य वह कोई वस्तु होंगी, तब तो उनके ऊपर नाम पड़े है। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य है उतनी मतें हैं। चीज फिर भी एक ही है, उसमें मुख्य चार मतें सुनाते हैं। कोई कहते हैं ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है, कोई कहता है ईश्वर सत्यम माया मिथ्यम, कोई कहता है ईश्वर है ही नहीं, कुदरत ही कुदरत है। वो फिर ईश्वर को नहीं मानते। अब ये है इतनी मतें, वो तो समझते हैं जगत प्रकृति है, बाकी कुछ है नहीं। अब देखो जगत को मानते हैं, परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा उस जगत के मालिक को नहीं मानते। दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं उन्होंने की इतनी मतें, आखिरी भी इन सभी मतों का फैसला
स्वयं परमात्मा आकर करता है। इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करता है। जो सर्वोत्तम शक्तिवान होगा वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। वही हमें रचता का भी परिचय देती है और फिर अपनी रचना का भी परिचय देती है। समझा? अच्छा। ओम शांति।